नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है, जो कि बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे कैसे सीड का कैसा कारोबार देखने को मिल रहा है शाम के कारोबारी सत्र के अंदर। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे कैसे सीड का वायदा बाजार नवंबर वायदे की बात करेंगे तो 6600 पर कारोबार कर रहा है, 6690 का हाई लगा चुका है, आधे फीसदी की हल्की सी करेक्शन है। हम देख रहे हैं कि कैसे सीड का वायदा बाजार आज कल के मुकाबले ठीक ठाक लेवल्स पर कारोबार कर रहा है, 6600 के ऊपर निकल चुका है। हालांकि करंट में 6600 पर ही कर रहा है, लेकिन 6690 का भी हाई लगा चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी अगर 6700 का ऊपर कारोबार करता है तो उसके आगे के भी लेवल्स कैसे के अंदर देखने को मिल पाएंगे। बात करें यहाँ पे बिनौला खल की, तो बिनौला खल का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 2545 पर है, 2599 का हाई लग चुका है। तो आज शाम के कारोबारी सत्र में किस एग्री कमिटी में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीबी पर। अनुज जी, सबसे पहले आपसे कैसे सीड के ऊपर बात करना चाहूंगा। देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सीड 6600 पर कारोबार कर रहा है और 6690 का ही लगा चुका है। अब आपको क्या लग रहा है, जिस हिसाब से कैसर में एकदम से तेजी देखने को मिली है तो क्या बहुत जल्द 6800 और फिर उसके बाद 7000 का लेवल देखने को मिल पाएंगे? देखिए, बिल्कुल कैस्टर में जो एक्सपोर्ट डिमांड है और लोअर यील्ड होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि कैस्टर में हम जल्दी ही 1800 तक के लेवल आते हुए देखेंगे। हालांकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है और फंडामेंटल भी सपोर्टिव है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। हमें लगता है कि नीचे अगर भाव 6550 के आसपास तक मिलते हैं तो खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में आने वाले 10 से 15 दिनों में 6800-7000 तक के लेवल भी देखी जा सकती है। जी ये सर, नो जी देख रहे हैं बिनौला खल के अंदर भी खरीदारी निकली है 2700 से सिर्फ एक पॉइंट की दूरी पर है, 2600 के लेवल से सिर्फ एक पॉइंट की दूरी पर है बिनौला खल का दिसंबर वायदा इस वक्त। आपको क्या लग रहा है, क्या 2600 आज मार्केट क्लोज होते होते देखने को मिल पाएगा? देखिए, बिल्कुल ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव है, पिछले दो तीन दिनों में अच्छी खासी इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल चेक में खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए। ऊपर में 2700-2750 तक के लेवल हमें यहाँ जल्दी देखे जा सकते हैं। यदि दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है तो भी टाइम काफी है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 1.5 महीने में इसमें हम 2800 तक के भी लेवल देखेंगे। डिमांड अच्छी निकलती दिख रही है, हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। 2800 का टारगेट 1 महीने में देखा जा सकता है। जी ये सनु जी, बात करें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की तो देख रहे हैं कि धनिया 8000 के ऊपर काफी समय से सस्टेन होकर चल रहा है, जीरा भी 15000 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अभी देख रहे हैं कि 15000 के नीचे 14900 के घरों में, और आज हल्दी में काफी ठीक ठाक लेवल्स देखने को मिल रहे हैं पहले के मुकाबले। अब आपको क्या लग रहा है, मसालों में कैसी तेजी देखने को मिल पाएगी आगे जाके या फिर अभी मंदी रहेगी? देखिए, मसालों में तेजी का रुख है, एक्सपोर्ट डिमांड से हमने जीरे में काफी अच्छी तेजी आते हुए देखी है। टर्मरिक के अंदर भी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड देख रहे हैं और लोअर स्विंग एक्टिविटी भी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि कैस्टर के स्पाइसेस में जो ट्रेंड बना है वो आगे पॉजिटिव रहेगा। फिजिकल मार्केट के अंदर हालांकि कुछ एक्सपोर्ट इंक्वायरीज भी आई है, हालांकि अराइवल ज्यादा है, मगर उसके मद्देनजर जो एक्सपोर्ट इंक्वायरी और डोमेस्टिक फेस्टिवल इन्वेंट्री है डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो हमें लगता है कि फिलहाल टर्मरिक में और बाकी मसालों में तेजी का रुख रहेगा, हालांकि थोड़ा मोमेंटम स्लो रहेगा, बट हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है टर्मरिक के अंदर भी। जी अनुज जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तो आपने जो टारगेट दिए थे कि 12000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं ग्वार गम के अंदर और ग्वार सीड 6800 से 7000 तक के लेवल दिखा सकती है, वो दोनों टारगेट्स आपके अचीव होते हुए नजर आ चुके हैं। अब आपको यहां से क्या लग रहा है, जिस हिसाब से ग्वार गम 13000 के ऊपर कारोबार कर रहा है लेकिन ग्वार गम और ग्वार सीड में प्रॉफिट बुकिंग भी बनती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में इन स्तर पर खरीदारी करके चलना सही रहेगा या फिर यहां से अभी बिकवाली और देखने को मिलेगी? देखिए, खरीदारी का ट्रेंड ही रखना चाहिए, हालांकि ग्वार और में हम देखते हैं जनरली हायर लेवल पे कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, तो ट्रेंड इसका भी ऊपर की तरफ सही बना हुआ है, तो जो भी करेक्शन आता है वहां पे खरीदारी करें, क्योंकि इस बार हमने क्रॉप थोड़ी कम आती हुई देखी है, लोअर यील्ड भी हुई है बारिश की वजह से और अराइवल भी कम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि आगे हम यहाँ पे ग्वार सीड में करीबन 7500 और 14500 तक के लेवल ग्वार गम में आने वाले 1 महीने में देखे जा सकते हैं। थोड़ा ब्रॉडर व्यू है 1 महीने का, बट ट्रेंड इसका पॉजिटिव है तो खरीदारी की सलाह हमारी रही। जी ये सर नो जी, बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की तो देख रहे हैं सोयाबीन में भी आज कुछ खरीदारी निकल के सामने आई है, आपको क्या लग रहा है, क्या सोयाबीन के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग मूव बनता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, शॉर्ट कवरिंग मूव है और दूसरा फेस्टिवल सीजन की डिमांड है यहाँ पे, हालांकि अराइवल इस बार काफी अच्छे हैं और जो पैदावार है वो पिछली बार से 10 से 15% ज्यादा है जी। तो हमें यहाँ पे बिकवाली की सलाह ही है,
हालांकि अगर किसी को ट्रेड करना है एक या दो दिन के हिसाब से तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, मगर अगर किसी को अगर थोड़ा सा लंबे समय के लिए व्यू रखना है तो सलमान राइस का मार्केट रहेगा, ऊपर आए तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड लेके चलें। हमें लगता है कि यहाँ पे सोयाबीन में और रिफाइंड में आगे मंदी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जी ये सर, मुझे आपसे कॉटन के बारे में जानना चाहेंगे। कॉटन में देख रहे हैं कि जो डिमांड है काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और फिजिकल मार्केट में भी जो कीमतें हैं काफी अच्छी देखने को मिल रही है और हमने वायदा में भी कीमतों को रिकॉर्ड हाई पर आते हुए देखा है, तो ऐसे में अब कॉटन में क्या नए लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए कॉटन में भी तेजी हमने यहाँ देखी है और करीबन देखें तो करीबन 7 साल के हाई पे कॉटन के भाव आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि कॉटन में खरीदारी का ट्रेड ही रहेगा। यहाँ पे अगर देखिए तो जो अराइवल है भारत के अंदर वो थोड़ी कम देखने को मिली है और जो इसकी क्वालिटी है वो भी यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है। मुझे लगता है कि हमें लगता है कि कॉटन के अंदर जो ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव रहेगा और हम जल्दी ही यहाँ पर एनसीएस में 33,000 तक के लेवल देख सकते हैं, तो खरीदारी की सलाह रहेगी कॉटन पैक के अंदर। जी अनुज जी, आपसे टॉपिक्स जानना चाहेंगे जिनके अंदर आने वाले दिनों में भी अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। देखिए एक तो कैस्टर ही है जिसमें हम खरीदारी कर सकते हैं, ऊपर में टारगेट आपको 7,000 तक के लेवल आने वाले 15 से 20 दिनों में देखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ हम जीरा के अंदर और टर्मरिक के अंदर भी खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि जीरा में करीबन भाव ऊपर में देखिए तो 15,800-16,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं और टर्मरिक में भी अगेन हम 8,000 तक के लेवल को टारगेट कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि अनुज जी ने बताया कि केसर, हल्दी और जीरा इन तीनों कम्युनिटीज में खरीदारी में रहा जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। हालांकि कम्युनिटी बाजार शाम के कारोबार सेट में पहले के मुकाबले अच्छे खासे लेवल्स पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये तीन टॉपिक्स रहेंगे उनकी तरफ से जिनमें खरीदारी का ट्रेड बनाकर चला जा सकता है आने वाले दिनों में भी। ये तीन कम्युनिटी ऐसी हैं जो आपको आने वाले दिनों में भी अच्छा मुनाफा कमवाती हुई नजर आ सकती हैं। तो अनुज जी ने जो लेवल्स दिए हैं आप उन पर खरीदारी का ट्रेड बनाकर चल सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सवाल हैं या फिर आप किसी के ऊपर न्यूज़ जानना चाहते हैं, व्यूज़ जानना चाहते हैं हमारे, तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। तो फिलहाल बाजारों की चाल में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।